फाइनली आज जाके मेरे दुखों का अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है। राधे राधे सर जी, राधे राधे। गूगल के भरोसे चलाया, थोड़ा सा टनल हो गया, यहाँ पे आके बिछड़ा दिया उसने, तीन गलियां दिखा रहा है किधर जाऊं। चार्जर तो लगा दिया पर यार लाइट धोखा दे गई है, जैसे घर पे आया लाइट चली गई। हाँ तो जी भाई दोस्तों, पहले खुशखबरी देखो फिर बताओ कैसी लगी आपको। आज ये मेरे सब्सक्राइबर है, सिर्फ ये घूमने नहीं आए, मेरे लिए बहुत कुछ लेके आए साथ में अपने। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बज चुके हैं, नहा धो के रेडी हैं, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। और भाई लेट होने की एक वजह ये भी है कि गाड़ी का चार्जर ठीक है नहीं, तो एक दो चक्कर की जो बैटरी होती है कल चार्ज करके लाया था, थोड़ी सी शाम को चला ली, अब थोड़ी सी अब चला लेंगे। तो जल्दबाजी अभी है नहीं निकलने की, चार्जर ठीक हो जाएगा तब भाई अपनी टाइमिंग पे जोर डालेंगे कि किस टाइम पे निकलना है, किस टाइम पे आना है। अभी तो ये है कि टाइम पास चल रहा है तो टाइम पास ही कर रहे हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से, एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बनी रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना। चलिए निकलते हैं। कल रात को चार्ज करके लाया था, लगभग 100 किलोमीटर की बैटरी छोड़ी थी, अभी ऑन करके देखते हैं कितनी बची है। रात भर में थोड़ी सी डाउन हो जाती है, अभी सर्दी का मौसम है ना, गर्मियों में इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ठंड हो जाती है ना तो बहुत फर्क पड़ता है, और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उतना ही ज्यादा फर्क पड़ने लगेगा। चलो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या हाल है हमारी गाड़ी का। लो भाई अभी घर से 100 मीटर भी नहीं निकले, 99 से 95 हो गई, इसलिए कहता हूँ यार कोई भरोसा नहीं कर पाते गाड़ी पे कभी कभी। अभी तो और पता नहीं कितनी गिरेगी स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते, 94। गाड़ी की डिस्प्ले पर जब बैटरी के साइन इतनी जल्दी जल्दी गिरते हैं ना तो भाई डर लगता है कि यार कहीं धोखा ना दे जाए। वैसे अभी 94 किलोमीटर की रीडिंग पे आके रुक गई है, तो उम्मीद है कि स्टेबल रहेगी। कल शायद मैं 91 पे लेके पहुंचा था मथुरा जंक्शन, अगर ये 94 पे रुकी रहती है फिर भी मेरे को कम से कम भाई 50 किलोमीटर तक का एक चक्कर लगाने की उम्मीद रहेगी, उसके बाद चार्जिंग पे जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, वैसे भी काम धंधा कुछ ज्यादा है नहीं अभी। कल शाम को भी मथुरा जंक्शन पे शाम के टाइम में एक चक्कर बड़ी मुश्किलों से मिला था, सुबह के टाइम में जो एक आध चक्कर लग जाता है वो लग जाता है, और कल तो आपको पता ही है राजस्थान भाग गया था मैं एक चक्कर लगाने के चक्कर में, इसलिए कुछ पैसे मिल गए थे। अब बंसी वाला आज भी सुन ले तो कुछ कृपा हो जाए, वैसे भी पैसों की मुझे बहुत जरूरत है भाई, लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। चलो पहुंचते मथुरा जंक्शन। है आज तो लाइन से सजा रखी है भैया, का चक्कर है? पूछे वारो ना, तुम पूछो का ही तो, जब कोई तुमसे ना पूछ रहा तो सवारियां निकल के आ रही है भाई, वो ड्राइवर कैसे पीछे लगे हुए ये देखो। हाँ तो जी दोस्तों भाई वो खुशखबरी आ गई जिसका एक हफ्ते से मुझे इंतजार था, और आपको भी एक हफ्ता हो गया भाई रोजाना रोना धोना करते करते, फाइनली आज मेरा चार्जर ठीक हो चुका है। जिस भाई पे डाल के आया था ना उस भाई का अभी अभी कॉल आया कि भैया आपका चार्जर ठीक हो गया, आ जाइए और ले जाइए। तो भाई काम धंधा जैसा हुआ वैसा हुआ, वैसे एक चक्कर लगा दिया है मैंने सुबह के टाइम में, और एक काम घर का भी कर दिया है मैंने। जब मथुरा जंक्शन पे आया था तभी राशन वाले का कॉल आ गया था कि भैया राशन का आखिरी दिन है ले जाना तो ले जाओ वरना कल से बंद हो जाएगा, तो घर वालों का भी काम कर दिया, पैसे भी कमा लिए, और भाई लास्ट में आके खुशखबरी मिल गई चार्जर ठीक हो गया है। तो मैं उधर ही जा रहा हूँ अपने चार्जर को उठाता हूँ ताकि काम करने में मजा आए यार, अभी डर लगा रहता है गाड़ी धोखा ना दे जाए क्या करूंगा, तो चलिए चार्जर उठा के लाते हैं। हाँ तो भाई दोस्तों फाइनली चार्जर में लेके आ गया हूँ घर पे, और गाड़ी कनेक्ट कर दी है, अब इसको चार्जिंग करके देखना है। चार्जर तो लगा दिया पर यार लाइट धोखा दे गई है, जैसे घर पे आया लाइट चली गई, अब लाइट आएगी तब चार्जिंग करके देखेंगे। लाइट आई नहीं रही है देखो, इसे कहते हैं किस्मत, चार्जर ठीक हुआ तब लाइट धोखा दे रही है। वैसे आज मेरे पास एक और खुशखबरी है, पहले इसको चार्ज कर लेता हूँ, जब यहाँ से निकलूंगा ना तब आपको बताऊंगा कि क्या खुशखबरी आई है, आपका दिल खुश हो जाएगा, बस इतना समझ लो। राधे राधे सर जी, राधे राधे। गूगल के भरोसे चलाया, थोड़ा सा टनल हो गया, यहाँ पे आके बिछड़ा दिया उसने, तीन गलियां दिखा रहा है किधर जाऊं, घुमा देता है। चलिए ये होटल है आपका तुलसी। हाँ तो जी भाई दोस्तों, पहले खुशखबरी देखो फिर बताओ कैसी लगी आपको। आज ये मेरे सब्सक्राइबर है,
सिर्फ ये घूमने नहीं आए, मेरे लिए बहुत कुछ लेके आए साथ में, अपने साथ। लगभग एक हफ्ते से मैं परेशान था, मेरा चार्जर फंसा हुआ था, आज ही मेरा चार्जर बन के आया है, आज ही सब्सक्राइबर घूमने के लिए आ गए। पिछला एक हफ्ता मेरा बहुत बुरा गया सर जी, अगर आपने वीडियोस देखे हो तो। आज बीमार थे, घर वाले भी बीमार थे। जी जी जी। अभी जब आपका कॉल आया था ना मेरे को, तब मैं चार्जर लेके जा रहा था दुकान से। इतनी खुशी हुई कि खाली चार्जर ले ही सब्सक्राइबर भी आए हुए। बहुत परेशान चल रहा था, परिवार चलाने की जिम्मेदारी है सर पूरी, और उसमें कोई खलाल आता है ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है फिर। चलो भाई, इनको गोकुल और मथुरा घुमा के लाना है आज मुझे। कोशिश करूंगा कि कोई जगह रह ना जाए, बस डाउट रहेगा तो एक मंदिर का है कि उसकी टाइमिंग ऐसी है। कोशिश करेंगे वो भी ना रहे, क्योंकि पैसे खर्च करते हैं तो पूरा होता है, जब ही मजा आता है। हाँ तो भाई, गोकुल आ गए हैं सब्सक्राइबर उनको घुमाने के लिए। और भाई, आप में से कभी गोकुल आता है घूमने के लिए? तो ये हमारा दोस्त है दीपक, घुसते ही इसकी दुकान है भाई, चाय पी के जाना, एक नंबर की चाय है। और कभी पी के जाओ तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, पक्का आला भाई इसकी दुकान पे। लो भाई, हमारे जो सब्सक्राइबर्स गोकुल घूमने गए थे वो गोकुल दर्शन करके आ गए। ये आंटी जी हैं और अंकल जी वहाँ शायद कुछ ठंडा पीने लग गए। हाँ तो भाई दोस्तों, गोकुल हो गया, रमन रीति आश्रम हो गया, चौरासी खंबा मंदिर हो गया, ओखल बंदर हो गया, और भाई अब हम आ चुके हैं मेरे फेवरेट स्थान पे, ब्रह्मांड घाट। यहाँ पे आके ब्लॉग ना करूँ ऐसा तो होता ही नहीं है। मेरी सवारी गई है दर्शन करने के लिए, और भाई मैं आपको इस समय शाम का नज़ारा है, सूरज ढल रहा है यानी कि सनसेट हो रहा है, तो आपको एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखाता हूँ। कोशिश करूँगा इसे थोड़ा सा सिनेमेटिक बना सकूँ। तो देखिए भाई, ब्रह्मांड घाट का इस समय का क्या ज़बरदस्त नज़ारा रहता है। तो भाई बताओ, है ना सुंदर, कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है भाई साहब। आसमान से सूर्य नारायण नीचे की तरफ जा रहे हैं और यमुना जी में उनकी जो झलक आ रही है ना, बहुत सुंदर लग रहा है यार। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर प्लीज़। भाई इतनी जल्दी जल्दी दर्शन कर रहे हैं ना, इतने मंदिर हो गए और बहुत कम टाइम में बस दर्शन कर रहे हैं, निकले चले आते हैं। कैसा रहा सर जी? अच्छा रहा, मिट्टी ले ली। अच्छा, मिट्टी ले ली है। भगवान के रखे हैं, पूरा हमारी बात चल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा भी करेंगे हम लोग, क्योंकि यमुना नदी माता की मिट्टी है वो। बिल्कुल, यहाँ पे तो वैसे भी भगवान ने खाई थी मिट्टी। खाई तो अपन एक्चुअली पूजा तो कर सकते हैं। चलिए, बाबा अभी झाड़ू मारना हो, बाबा ने अभी झाड़ू मारना शुरू किया और लो चला भी गया। बस इतना झाड़ू मारने आया। बस बस, आप ये बताइए कि लगा कैसा आपको घूम के आज? बहुत बढ़िया, इतना अच्छा आनंद आया, और हम सोचे भी नहीं कि आज पूरा हो जाएगा मथुरा। अच्छा, इतना अच्छा बेस्ट हुआ कि बस एकदम आनंद हो गया। वो तो आपकी खासियत थी, आपने टाइम इतना कम लिया, वरना कुछ लोग इतना ही करने में पूरा दिन घूम कर देते हैं। हम लोग हमेशा हर जगह ऐसे ही हमारा स्टाइल चलता है, फालतू में किधर टाइम पास नहीं करते। बहुत अच्छे से घूमे आप लोग, मुझे भी घुमाने में मजा आया, ज्यादा टाइम भी नहीं गया, आनंद आ गया। आज तो भाई घर का माहौल थोड़ा सा बड़ा अच्छा लग रहा है। केम छो माता जी, कैसी तबीयत? आराम है। चलो, ये मंकू नंगा बैठा है, उधर पंजली पढ़ाई कर रही है, और आज हमारी मैडम व्रत रही हैं। वैसे सोमवार को रहती हैं, आज भी रही हैं। किस उपलक्ष में? आज की पूर्णमासी है, तो आज हमारी मैडम पूर्णमासी का व्रत रही हैं। हाँ, का अच्छा, शरद की पूर्णिमा आज, बड़े गरीब लोग हैं आज, शरद पूर्णिमा भाई। और हमारे घर में कुछ नहीं बना है, मम्मी बता रही हैं। क्या करें मम्मी, दिक्कत ही इतनी चल रही है। जब घर में शांति हो, सुख हो, तभी सब चीज अच्छी लगती है ना। सही है ना, सही ना, खीर वो तुम भी परेशान, कौन खा रहा है खीर? शांति।
और दोस्तों भाई वैसे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज का दिन कैसा गया है। मेरे चेहरे पे हल्की हल्की जो मुस्कान है वो सब कुछ आपको बयां कर रही होगी। बाकी मैं यार पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा टेंशन में था, फाइनली आज जाके मेरे दुखों का अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि आज मेरे सब्सक्राइबर भी आए, उनको भी घुमाया, गाड़ी का चार्जर भी ठीक हो गया है। तो जितना भी अच्छा हो सकता था उतना आज हो गया है, तो बंसी वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई एक सब्सक्राइबर है मेरे जिनका नाम शायद कृष्ण गोपाल शर्मा जी है, वो मुझे दो दिन से लगातार कमेंट कर रहे हैं। वैसे तो लगातार वो उनके कमेंट आते रहते हैं, पर दो दिन से उनके जो कमेंट आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं 84 कोस की परिक्रमा को लेके। आज का मैंने कमेंट पे उनको जवाब दिया है कि नहीं दिया, वैसे तो मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ उनको लिखकर, लेकिन आज मुझे ध्यान नहीं है मैंने अभी तक रिप्लाई किया है कि नहीं उनको। तो वो बोल रहे हैं कि भैया हम वैसे तो टैक्सी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी कुछ आर्थिक मदद हो जाए तो हम लोगों को आप अपने ई रिक्शे से घुमा देना। तो सर कहना मेरा ये है कि ई रिक्शे वगैरह से मैं घुमाने को तो घुमा दूंगा, लेकिन 84 कोस का जो घुमाना है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो मेरी गाड़ियाँ कई जगह ऐसी है जहाँ तक पहुँची नहीं पाएगी। इसलिए अगर आप किसी टैक्सी वाले से या किसी और से बड़ी गाड़ी वाले से बात करेंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको घुमा सकता है, क्योंकि मैं अपने पैसे के अपने लालच में आपको घुमाना शुरू कर दूँ और आप पूरी तरह से घूम भी ना पाएँ, आपको मज़ा भी ना आए, पैसे भी बेकार जाएँ, तो इससे अच्छा यही है कि आप किसी एक ऑटो या किसी CNG ऑटो लीजिए या फिर कोई टैक्सी लीजिए, वही आपको 84 कोस पूरा करा सकता है। कोई भी मेरे जैसा ई रिक्शा वाला नहीं करा पाएगा, क्योंकि इतना लंबा चलने की हमारी गाड़ियों की कैपेसिटी नहीं है। फिर कई हिस्से राजस्थान में आते हैं 84 कोस के, कई हिस्से ऐसे हैं जो हरियाणा में आते हैं, मतलब अंतर्राज्यीय सफ़र हो जाता है, तो मैं नहीं करा पाऊंगा। क्षमा के साथ आपने मेरे बारे में इतना सोचा कि मेरी आर्थिक कुछ मदद हो जाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बहुत पुराने सपोर्टर हो चुके हैं, आपके हर शुभेच्छा के लिए दिल से गहराई से धन्यवाद है, पर मैं नहीं घुमा पाऊंगा। आप किसी और से बात कीजिएगा जो 84 कोस घुमाने का काम करता हो। वैसे भी मुझे पूरी जगह पता भी नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी तक 84 कोस में कहीं भी नहीं घुमा हूँ। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, ये जो लोकल हम घूमते रहते हैं वो तो मुझे पता है, पर 84 कोस बहुत बड़ा सफ़र हो जाता है। ओवरऑल कहूँ तो टोटल 254 किलोमीटर में होके है, तो आपको कोई बड़ी गाड़ी देखनी पड़ेगी। एक भाई साहब और है जो कि मुझे कल वाले वीडियो को उनका कमेंट आया था, वो बोल रहे हैं कि भैया मेरे चैनल में मोनेटाइजेशन में कुछ दिक्कत आ रही है। तो भैया आपको भी बता देता हूँ भाई, आपको किसी टैग वाले से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी इतनी जानकारी है नहीं। जो छोटे मोटे काम जो मैं खुद नहीं कर सकता वो अपने छोटे भाई से करवाता हूँ। तो मोनेटाइजेशन में आपकी क्या दिक्कत आई, अगर किसी टैग वाले से आप संपर्क करेंगे तो शायद आपकी ज़्यादा मदद हो पाएगी, मुझे इतनी जानकारी है नहीं सर। अगर इतनी जानकारी होती तो मैं अपना चैनल को कब का ग्रो कर चुका होता, इतने सादा सिंपल तरीके से धीरे धीरे एक एक दो दो करके इकट्ठे नहीं कर रहा होता। सॉरी है भाई, मेरे को जानकारी नहीं है, मैं आपसे झूठा कोई ज्ञान दे दूं और आपकी और गड़बड़ हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, प्लीज़। वैसे दिल बहुत खुश है, आज गाड़ी भी ठीक हो गई है, चार्जर ठीक हो गया, सवारी भी घुमाने को मिली है। आज इन्होंने गोकुल और मथुरा के जन्मभूमि और द्वारकाधीश मंदिर कराए थे, कल उनको मुझे वृंदावन का क्षेत्र कराना है, तो लग रहा है कि अब दुखों का कुछ अंत होगा। फिलहाल भाई घर पे हूँ, खाला पीला खाता हूँ, आराम करता हूँ, क्योंकि रात के 10:15 हो चुके हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।